आज के इस वीडियो में आप जानेंगे यदि आप एक लेबर कार्ड धारक हैं और आप लेबर कार्ड की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी लेबर कार्ड की योजनाओं का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी योजना अभी पेंडिंग में है या अप्रूव हो गई है और आपके अकाउंट्स में पैसा आया है या नहीं। फ्रेंड्स, मैं हूं मिलन और आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रनटेक पर। लेबर कार्ड का पैसा चेक करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा BOCW देखे UP। जब इतना टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। आप देख सकते हैं जो पहला लिंक आ रहा है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से भी इस पर क्लिक करके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो पहला लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेके आपको आगे ले जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ श्रम विभाग का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स, इससे नीचे देख सकते हैं इसके सब मेन्यू आ रहे हैं तो आपको जिस भी मेन्यू से जो भी जानकारी चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें लेबर कार्ड का पैसा चेक करना है तो आप श्रमिक पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे। फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन पंजीयन की स्थिति, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है श्रमिक के आवेदन की स्थिति संपूर्ण ब्यौरा और नीचे आ रहा है पंजीयन संख्या। तो जो भी आपकी पंजीयन संख्या होगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, तो मैं यहाँ फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं आगे आ रहा है मोबाइल नंबर। यदि आपको मालूम है कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेके आपको आगे ले जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो फ्रेंड्स, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका लेबर कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपके लेबर कार्ड का संपूर्ण विवरण दिखाएगा। यहाँ आपका आपकी नई पंजीयन संख्या होगी वो दिखाएगा, जो भी आपकी पंजीयन संख्या होगी, आधार कार्ड संख्या दिखाएगा, नाम दिखाएगा, पंजीयन दिनांक दिखाएगा, आपने कब पंजीकरण किया था। आपका यहाँ पर कार्ड दिखाएगा कि आप लेबर कार्ड में क्या कार्य करते हैं। आपका मोबाइल नंबर के 4 डिजिट दिखाएगा पीछे का, कौन से मोबाइल नंबर लगा हुआ है, जिससे आप अपने मोबाइल नंबर से भी अपना लेबर कार्ड निकाल सकते हैं। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पंजीकरण की राशि दिखाएगा, आपने स्थान जमा किया है या नहीं किया है, और यहाँ पर श्रमिक के परिवार में कुल कितने सदस्य जुड़े हुए हैं इसमें वो दिखाएगा। फिर आप नीचे आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाएगा। फिर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है योजना का विवरण, तो ये मेन इम्पोर्टेंट आपका पार्ट्स है। तो यहाँ पर दिखाएगा इन्होंने कितनी योजना का लाभ ले लिया है, योजना का स्टेटस दिखाएगा। क्रम से देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्रम दिखाएगा कितनी योजनाएं लाभान्वित हैं ये। फिर योजना का नाम दिखाएगा, योजना का स्टेटस दिखाएगा अप्रूव्ड है या पेंडिंग में है। योजना की आवेदन संख्या दिखाएगा और आवेदन तिथि दिखाएगा, इन्होंने कब किया था योजना के लिए आवेदन, और दिखाएगा श्रम प्रबंधन अधिकारी के स्तर पर जाँच हो चुकी है या नहीं हुई है। और फिर इस देख सकते हैं इससे आगे भी दिखा रहा है अपर आयुक्त जो भी है आपका, उससे अप्रूवल मिला या नहीं मिला है, स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर आगे दिखाएगा भुगतान का विवरण, भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं आपको योजना का लाभ मिलने वाला है या नहीं मिला है या फिर मिल चुका है, और आपकी योजना का स्टेटस पेंडिंग में है या अप्रूव्ड है। यदि अप्रूव्ड है तो आपके अकाउंट में पैसा गया है या नहीं गया है, आपके पैसे का भुगतान आपने किया है या नहीं किया, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप आपके लेबर कार्ड का पैसा आपके अकाउंट्स में गया है या नहीं गया, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपके अंशदान का विवरण दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें।